हाय गाइस, चलिए टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेबल्स। सिलेबल्स शब्द खंड क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सिलेबल कहते हैं किसी, पहली बात तो ये हमें जानना है। तो किसी शब्द का सिलेबल के यदि डेफिनेशन जाने, तो किसी शब्द का एक ही बार में, किसी शब्द का जितना भाग एक बार में बोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सिलेबल। ठीक ना, किसी शब्द को एक बार में जितना आप बोल सकें, जैसे लिखा है बेड, टीथ, मून, स्पून, ELEPHANT, एलिफेंट। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिलेबल है कौन से, सिलेबल हैं कौन से नहीं हैं। सिलेबल की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि यदि किसी शब्द का जितना भाग, क्या डेफिनेशन, किसी शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जा सके उसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। जैसे बेड एक बार में आप पढ़ लिए, टीथ एक बार में पढ़ लिए, ठीक है, मून चंद्रमा, स्पून एक बार में पूरा का पूरा वर्ड, एलिफेंट, क्या एलिफेंट को आपने एक बार में पढ़ा, नहीं, एलिफेंट दो बार में वर्ड पढ़ रहे हैं, एली रुके फिर फेंट, टीथ, स्पून, मून, बेड, ठीक है ये भी सिलेबल ही, बट कैसा सिलेबल, इसके काइंड्स में चलेंगे, कई काइंड्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। तो सिलेबल किसे कहते हैं, किसी शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जा सके उसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। ठीक है, सिलेबल की पहचान कैसे करेंगे और तोड़ेंगे कैसे, लिखा ही है शब्द खंड, यानी सिलेबल को तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहचान क्या है, प्रत्येक सिलेबल में एक स्वर अवश्य होता है, हमेशा याद रखना है कि प्रत्येक सिलेबल प्रत्येक सिलेबल में एक स्वर अवश्य होता है, अवश्य रहता है, ये कंडीशन है। आप सिलेबल कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में कितने सिलेबल हैं, यदि एक सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में एक सिलेबल, एक स्वर आपको मिल जाए तो एक सिलेबल कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, बेड, बेड में एक स्वर है, स्वर आपको आई होप कि आपको पता होगा, स्वर इससे पहले ही पढ़ा चुके हैं, ई क्या है, स्वर है, इसमें भी ई क्या है, स्वर है। मून में देखिए एक स्वर है, ओ है, दो ठो लेकिन एक ही, ओनली वन है। स्पून में एक स्वर है, क्या एलिफेंट में एक स्वर है, ये क्या हो गए, सिलेबल हो गए। कैसे सिलेबल है, मोनोमिनल सिलेबल होते हैं, ऐसा सिलेबल, ऐसे शब्द जिसमें एक स्वर हो उसे मोनोमिनल सिलेबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एलिफेंट में कितने स्वर हैं, ई आया, दो स्वर हो गए, तो क्या हो गया, बायनोमिनल सिलेबल हो गया। ठीक है ना, तो याद क्या रखना है, सिलेबल किसे कहते हैं, किसी शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जा सके उसे सिलेबल कहते हैं, और कंडीशन क्या होगी सिलेबल की, प्रत्येक सिलेबल में एक स्वर अवश्य रहता है। तो आप क्या सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ने में आपको मजा आएगा इस ट्रिक से, इस सिलेबल शब्द खंड को रीड करने से, पहचानने से। तो आपको याद रखना है सिलेबल कैसे हम तोड़ेंगे, एक स्वर से, स्वर मिला और सिलेबल को तोड़ देंगे। ठीक ना, काइंड्स में देखते हैं, काइंड्स ऑफ सिलेबल, सिलेबल के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सिलेबल, सिलेबल में कई प्रकार होते हैं। जैसे कि फर्स्ट लें मोनोमिनल सिलेबल, मोनो सिलेबल SYLLABLE, मोनोमिनल मैं बोल रहा था, मैथ में होता है मोनोमिनल, बायोनोमिनल, ट्राइनोमिनल, तो इसमें मोनो सिलेबल होता है, मोनो सिलेबल। ठीक है, दूसरा होता है बाय सिलेबल SYLLABLE, बाय सिलेबल। तीसरा होता है ट्राई सिलेबल SYLLABLE। और यदि इससे भी अधिक आपको स्वर मिले तो फिर इसको क्या कहेंगे, पॉली सिलेबल, POLY, पॉली, SYLLABLE।
तो काइंड्स ऑफ सिलेबल में कितने सिलेबल होते हैं? चार होते हैं। पहले को मोनो सिलेबल, मोनो सिलेबल किसे कहते हैं पहले इसके डिस्कस करें। जिस शब्द में एक ही सिलेबल हो, जिस शब्द में केवल एक सिलेबल होता है उसे क्या कहते हैं? मोनो सिलेबल। एक सिलेबल जिससे बेड, एक सिलेबल में एक सुर आ रहा, बुक, हेन, तो ये क्या कहलाएंगे? मोनो सिलेबल कहलाएंगे, जिसमें सिर्फ एक स्वर आएगा। एक स्वर वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? मोनो सिलेबल कहलाते हैं, जिसमें एक वर्ड है, एक ही बार में जिसको पूरा का पूरा पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? मोनो सिलेबल कहेंगे, ठीक है ना। जिस शब्द में दो सिलेबल आए, ठीक है, जिस शब्द में दो सिलेबल्स हों, दो सिलेबल्स हों, दो सिलेबल्स, दो सिलेबल्स मतलब दो स्वर दिए हों। कितने स्वर? स्वर को क्या कहते हैं? वॉवेल। जिस शब्द में, जिस वर्ड्स में दो 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 स्वर दिए हों उसे क्या कहेंगे? बाई सिलेबल। जैसे एग्जांपल में ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? बाई सिलेबल है। कैसे पता चला? अभी देखिए, इसको तोड़ते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसको आप, उसको आपको तोड़ना है और तोड़ के उसको पहचानना है कि सिलेबल कैसा है, मोनो सिलेबल है या बाई सिलेबल है या ट्राई सिलेबल या पॉली सिलेबल। तो एलिफेंट को यदि तोड़ते हैं तो ई एल ई फर्स्ट, फिर पी एच ए एन टी, ये कंप्लीट आया। ई एल ई एक स्वर आया और दूसरे में क्या है? एक स्वर दूसरे में आया, तो क्या हो गया? एलिफेंट। एली एक वर्ड में पढ़े, दोबारा क्या पढ़े? फेंट, एलिफेंट। तो ये क्या हो गया? बाई सिलेबल हो गया। और एग्जांपल आप लेना चाहें, बाई डबल एल ओ डब्लू, एलो, इसको कैसे पढ़ोगे आप? तोड़ के देखते हैं। बाई ई एल एल, ये तोड़ दीजिए। कंडीशन क्यों ऐसा तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सिलेबल में, प्रत्येक सिलेबल में एक स्वर अवश्य रहेगा। तो हम क्या करेंगे? वर्ड को यहाँ से चलेंगे बाई कॉन्सोनेंट, ई स्वर है और फिर कॉन्सोनेंट, तो हम स्वर, एक स्वर फाइंड कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो एल हो गया, एक स्वर और उधर मिल गया, दो वर्ड हो गए, दो वर्ड एल लो, यानी क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाई सिलेबल, जिसमें दो वर्ड होंगे। तो ऐसे आप इसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं हम ट्राई सिलेबल। ऐसे सिलेबल जिसमें तीन स्वर होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ट्राई सिलेबल कहेंगे, ठीक है। ऐसे सिलेबल जो तीन स्वरों से मिलके बने होते हैं, कितने? तीन स्वरों से, यानी थ्री वॉवल्स जिसमें होंगे, ट्राई सिलेबल्स कहलाएंगे, ठीक है। ट्राई सिलेबल्स, ट्राई सिलेबल्स के लिए एक वर्ड लेते हैं, यू एन डी ई आर, अंडरस्टैंड, एस टी एन डी। चलिए फाइंड करते हैं है कि नहीं। पहली बात वही है, यू हमें मिल गया स्वर, अन हो गया, डी ई आर डर, और स्टैंड टूट के क्या बना? अन डर स्टैंड, ये हो गया ट्राई सिलेबल। क्यों ऐसा हुआ? एक स्वर यू हुआ, दूसरा स्वर स्वर ई, और तीसरा वॉवल क्या हो गया? ए। तो ऐसे सिलेबल जिनमें तीन स्वर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राई सिलेबल। अब अगला क्या है? पॉली सिलेबल। तो तीन से अधिक, जिन जिन वर्ड्स में तीन से अधिक सिलेबल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राई सिलेबल कहते हैं। तीन से अधिक सिलेबल, तीन से अधिक सिलेबल्स वाले शब्दों को, तीन से अधिक सिलेबल वाले शब्दों को पॉली सिलेबल कहा जाता है। पॉली एस वाई डबल एल ए बी एल ई, सिलेबल कहा जाता है। ओके, सिलेबल कंप्लीट हुआ। सिलेबल कैसे जानेंगे तीन से अधिक? जैसे कोई एग्जांपल लें, केयरलेसनेस, सी ए आर ई केयर लेसनेस, एल ई डबल एस एन ई डबल एस, केयर लेसनेस। चलिए तोड़ के देखते हैं। तोड़ने की ट्रिक वही है, केयर तोड़ दें, का
रियलनेस। एक वर्ड मिला आपको सी ए, तो क्या हो गया का रियलनेस और नेस। ये केयरलेसनेस कितने वर्ड से मिलके बना है, तीन से अधिक सिलेबल से। उसमें पहला स्वर ए है, दूसरा ई, फिर ई, फिर ई, तो तीन से अधिक जो वर्ड्स मिल के बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, ऐसे वर्ड जो मिलके बने होंगे उन्हें क्या कहेंगे, ट्राई सिलेबल्स, सॉरी पॉली सिलेबल, मतलब तीन से अधिक शब्दों से मिलकर। सिलेबल कहते हैं किसे किसे हैं, एक ही बार में वे शब्द जिनको एक बार में पढ़ा जा सके उन्हें सिलेबल कहते हैं। मोनोसिलेबल किसे कहेंगे, जिसको एक बार में पढ़ा जा सके उन्हें मोनोसिलेबल। बाइसिलेबल कहेंगे जिन्हें दो दो बार में, या दो स्वर हों, या दो से अधिक दो स्वर हों, तो उन्हें क्या कहेंगे, बाइसिलेबल कहेंगे। ट्राइसिलेबल किसे कहेंगे, जिन ट्राइसिलेबल उन्हें कहेंगे जिनको तीन बार में पढ़ा जा सके, ठीक है। और पॉलीसिलेबल के जिन्हें कहेंगे जो तीन जिनको तीन से अधिक बार में पढ़ा जा सके, ठीक ना। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, ट्राइसिलेबल्स कहते हैं। सिलेबल्स देख लीजिए, के सी ए आर ई एल ई डबल एस फिर एन ई डबल एस, इसमें तोड़ के एक प्रत्येक सिलेबल में एक स्वर होता है, तो ए ई, फिर इसमें भी ई और एन, तो ये क्या है, टूट के का रे लेस और नेस, केयर लेसनेस। इस प्रकार से सिलेबल होते हैं जिनको हमने आपको बेसिकली समझा दिया है। सो आप भी इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और एग्जाम्पल्स लेके इनको समझ लीजिए अपने से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।